फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बीबीपीएन ऑनलाइन क्लास। सो स्टूडेंट्स, टुडे इज अवर टॉपिक हाउ डज अ कंप्यूटर वर्क। आज अपन पढ़ेंगे कि कंप्यूटर सिस्टम जो होता है वो कैसे वर्क करता है, कैसे अपना काम करता है। एंड प्रीवियस वीडियो में अपन ने कंप्यूटर के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, तो अब अपन स्टेप वाइज चलते हैं। तो फर्स्टली अपन पढ़ेंगे कि कंप्यूटर वर्क कैसे करता है। तो कंप्यूटर सिस्टम जो होता है वो आईपीओ साइकिल में वर्क करता है। अब आप ये सोच रहे होंगे आईपीओ मतलब क्या होता है। सो स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख रहे हो आईपीओ, आईपीओ साइकिल जिसे बोला जाता है। तो ये है आई का मतलब आप यहाँ पे देख रहे हो, तो आई की फुल फॉर्म होगी इनपुट। आई की फुल फॉर्म क्या होती है? इनपुट। एंड पी की फुल फॉर्म होती है प्रोसेस। एंड ओ की आउटपुट, देख रहे हो ना, आई की इनपुट। तो इनपुट की स्पेलिंग क्या होगी? आई एन पी यू टी, इनपुट। एंड पी, तो पी की क्या दे रखी है? प्रोसेसिंग, प्रोसेस। तो प्रोसेस मीन पी आर ओ सी ई एस एल। एंड नेक्स्ट है ओ, तो ओ की क्या दे रखी है? आउटपुट। अब अपन बात करते हैं इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेस। तो स्टूडेंट, इनपुट मीन्स अपन कंप्यूटर के अंदर जो भी डेटा ट्रांसफर करते हैं, डेटा अंदर डालते हैं, तो वो क्या होता है? वो इनपुट होता है। मीन्स कंप्यूटर के अंदर अपने डेटा ट्रांसफर कर दिया है, अब प्रोसेसिंग का काम चलता है, है ना। फिर क्या होती है? प्रोसेसिंग होती है। एंड देन फिर वो रिजल्ट बन के जब रेडी हो जाता है, तब अपन को क्या मिलता है? उसका आउटपुट मिलता है। आप इस चीज को एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझ पाओगे, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो फर्स्ट स्टेप मैं आपको पहले इनकी डेफिनेशन बता देती हूँ। तो स्टूडेंट्स, इनपुट की आप देखिए यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में आप ये बताओगे इनपुट के बारे में कि एंटर डेटा इनटू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। तो वो किसे क्या कहा जाता है? इनपुट कहा जाता है। कंप्यूटर के अंदर अपन जो भी डेटा ट्रांसफर करते हैं वो क्या होता है? इनपुट। पहले अपन इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट इनके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस। तो वो डिवाइस अलग होती है। पहले अपन स्टेप वाइज चलते हैं, तो केवल इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट के बारे में पढ़ते हैं। वरना तो आप देख सकते हो कि इनपुट डिवाइस मीन्स जिससे डेटा ट्रांसफर किया जाता है, डेटा अंदर डाला जाता है, जैसे कीबोर्ड होता है, अपन कीबोर्ड से टाइप करते हैं, तो कीबोर्ड क्या हुआ? इनपुट डिवाइस हुआ। तो ये अपन बाद में पढ़ेंगे, पहले आप बेसिक चीजें देखो। तो यहाँ पे क्या होगा? इनपुट कि आप बताओगे कि एंटर डेटा इनटू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। नेक्स्ट है प्रोसेस। आपने डेटा ट्रांसफर कर दिया, अब जो डेटा के ऊपर वर्क होगा वो क्या होगा? वो प्रोसेसिंग होगी। तो कंप्यूटर वर्क ऑन द डेटा, है ना, तो ये हो गई उसकी प्रोसेसिंग। फिर है आउटपुट। तो कंप्यूटर गिव्स रिजल्ट, क्या देता है हमें? रिजल्ट देता है कंप्यूटर सिस्टम जो होता है, तो वो हो गई आउटपुट, मिल गया। तो ये इसकी नॉर्मल लैंग्वेज में आप डेफिनेशन देख सकते हो। अब अपन बात करते हैं, इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। जैसे फर्स्ट एग्जांपल आप यहाँ पे देख रहे हो, क्या है? आईपीओ साइकिल से ऑरेंज जूस कैसे बनता है, कि आईपीओ साइकिल इसमें कैसे यूज हो रही है। तो फर्स्ट आप देख रहे हो अपने पास इनपुट क्या है? ऑरेंज। ऑरेंज क्या है अपने पास? इनपुट। ओके, फिर है, देख रहे हो ना पिक्चर के साथ, आपको अच्छे से क्लियर हो रहा है ना? ऑरेंज के साथ अपने पास क्या है? इनपुट है। एंड नेक्स्ट आप देख रहे हो, तो प्रोसेसिंग का काम कौन करेगा? जो मिक्सर होता है, मिक्सी जो होती है, वो क्या करते हैं? वो प्रोसेसिंग का काम करेगा। एंड देन लास्ट आप देख रहे हो, तो जूस आपका बन के रेडी हो गया है, तो वो क्या मिला आपको? आउटपुट मिला। वेरी गुड। तो स्टूडेंट देखिए, इसको अच्छे से समझिए। आप इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल बना सकते हो इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट के। एक आईपीओ साइकिल होती है, तो आप इसको अच्छे से समझिए, एग्जांपल के थ्रू आपको और अच्छे से क्लियर होगी। तो अपने पास इनपुट क्या होता है? ऑरेंज है अपने पास इनपुट। तो जब ऑरेंज को अपन मिक्सी में डालेंगे तभी तो जूस बन के रेडी होगा। तो यहाँ पे इनपुट का काम कौन कर रहा है? ऑरेंज कर रहा है। नेक्स्ट है, तो ये जो मिक्सी है, जब ये इसको इसका जूस बनाएगी, इसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी। तो ये होगी इसकी मिक्सी जो होगी, मिक्सर जो है वो क्या है? इसकी प्रोसेसिंग है। अब नेक्स्ट अपना जूस बनके रेडी हो गया है,
तो वो क्या हुआ अपना आउटपुट हुआ। तो ये होती है आईपीओ साइकिल, आप अच्छे से देख रहे हो ये होती है आईपीओ साइकिल है ना, जैसे इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। अब नेक्स्ट एग्जांपल आप जैसे एग्जाम के ऊपर ले सकते हो, जैसे आपकी बुक होती है ना, आप क्लास के अंदर आते हो आपकी बुक होती है, तो आपकी जो बुक होती है तो वो क्या हुई आपकी इनपुट हुई है ना, बुक से आप पढ़ते हो ना, तो बुक क्या हुई आपकी इनपुट हुई। जब आपकी एग्जाम आएगी तब आप बुक में जो भी आपके क्वेश्चन होंगे आप उनको सॉल्व करोगे लर्न करोगे, तो वो क्या चलेगी, वो प्रोसेसिंग चलेगी। अब जब आपका रिजल्ट आपको सुनाया जाएगा तो वो क्या होगा आपका आउटपुट होगा। वेरी गुड, तो ये हो गए इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल है जो आप ले सकते हो इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट में। तो बेटा ये होती है आईपीओ साइकिल। तो आईपीओ शॉर्ट में बोला जाता है, वैसे होती है इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट, जिसे क्या कहा जाता है आईपीओ साइकिल। तो इसी तरह से मेरे को आप 3 एग्जाम्पल बताओगे कि इन आईपीओ साइकिल को आप कैसे यूज करोगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।